हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। केविन फाइगी ने रिसेंटली कुछ रिमार्क्स दिए वांडा विजन शो की एंडिंग के बारे में। वांडा विजन की शो एंडिंग वैसे क्यों थी और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं थी, और केविन फाइगी के रिमार्क्स में थोड़ी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी थी और साथ साथ फेक फेमिनिज्म भी था। एमसीयू में जो नया फेमिनिज्म आ रहा है फेज 4 में, हमने उसके बारे में पहले डिस्कशन किया है किस तरह से मार्वल फोर्सफुली फीमेल कैरेक्टर्स को मेल कैरेक्टर्स के साथ पेयर कर रहा है। थॉर के साथ फेक फीमेल थॉर, हॉकाई के साथ केट बिशप और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा, और इस सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय फीमेल थॉर के, जो कि फिर से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ओपिनियन इस पे डिफर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो केविन फाइगी के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनली होने वाले थे वांडा विजन शो में और काफी ज्यादा होने वाले थे, लेकिन अब एक यूट्यूबर और कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज को शो से निकालने का रीजन था पेंडेमिक, जो कि रोलिंग स्टोन जिनको केविन फाइगी ने एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू दिया था उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट में नहीं है। के मुताबिक केविन फाइगी ने यह कहा कि हाँ, ये बात काफी कूल होती कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर होते वांडा विजन शो में, लेकिन हम वांडा विजन शो को डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी के लिए एक टीजर बनाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा हम ये नहीं चाहते थे कि एक वाइट गाय एक्सप्लेन कर रहा हो एक फीमेल को उसकी पावर्स कैसे काम करती है। केविन फाइगी ये बात चाहते थे कि वांडा खुद ये बात फिगर आउट करे कि उसकी पावर्स किस तरह से काम करती है और कोई मेल कैरेक्टर उसको उसकी पावर्स ना समझाए। ये बात काफी अजीब है इसको देखते हुए कि लिटरली एमसीयू की फेज 4 की हर मेल सुपरहीरो मूवी में अपीयर होने वाली है एक फीमेल। डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनली शो का और शो की स्क्रिप्ट का पार्ट थे, लेकिन उसके बाद मार्वल ने खुद से डॉक्टर स्ट्रेंज को निकाला शो से। ओरिजिनली जब वांडा अपना हेक्स बनाती है शो में, तो ये बात डायरेक्टली अलर्ट करने वाली थी सॉसरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को। ऑब्वियसली वांडा ने इतना बड़ा कैओस मैजिक किया था और ये बात डेफिनेटली अलर्ट करने वाली थी डॉक्टर स्ट्रेंज को। एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को बताया था कि उनकी नंबर वन जॉब है अर्थ की मेन रियलिटी को प्रोटेक्ट करना, और वांडा ने लिटरली अपनी एक और रियलिटी बना ली थी हमारी रियलिटी के अंदर और हमारी रियलिटी को कंज्यूम कर रही थी। हमारी रियलिटी चेंज हो रही थी वांडा की विल पावर के मुताबिक, और इसको प्रोटेक्ट करना एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज की नंबर वन जॉब है। लोकी जो कि एसगार्ड में रहता है और इतना बड़ा थ्रेट नहीं है अर्थ को, उसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज की लिस्ट में, लेकिन वांडा जो कि लिटरली अपने मैजिक की मदद से लोगों को गुलाम बना रही थी, उसके खिलाफ डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनली पेनिट्रेट नहीं कर पाते वांडा की रियलिटी के अंदर जब वांडा ने इस रियलिटी को बनाया था। उसका रीजन था प्रोबेबली वांडा का केओस मैजिक जिसके साथ वांडा बॉर्न हुई थी। वांडा ने बचपन में ही अपने प्रोबेबिलिटी हेक्स की मदद से स्टार के इस बॉम्ब को फटने नहीं दिया था, तो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। वांडा बॉर्न हुई थी अपनी पावर्स के साथ और डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ सीखा था बुक्स पढ़ पढ़कर। माइंड स्टोन ने वांडा की पावर्स को एम्पलीफाई किया था, वांडा को पावर्स नहीं दी थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टली वांडा के हेक्स के अंदर आ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक कास्ट करने वाले थे सारे एड्स जो कि हमने देखे थे शो के हर एपिसोड में। इवन दो हर एड का अपना मैसेज था, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि ये एड कहां से आ रहे हैं। पहले एपिसोड में ये वाला टोस्टर रिप्रेजेंट कर रहा था उस बॉम्ब को जो कि वांडा ने फटने नहीं दिया था। इस जो मैजिक वाले एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोबेबली बता रहे थे वांडा को कि क्या कर रही है एगाथा वांडा के साथ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले थे ओरिजिनली इन सारे एड्स का सोर्स जो कि वांडा को एक्सप्लेन कर रहे थे उसकी सिचुएशन प्रोबेबली, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाता और ये बात हम फैंस को क्लियर हो जाती कि ये सारे एड्स कहाँ से आ रहे हैं और इन एड्स को कौन बना रहा है। और फिनाले में प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज बताने वाले थे वांडा को कि उसकी पावर्स कैसे काम करती हैं और वांडा को सिखाते उसकी पावर्स का यूज करना, जो कि फिर से काफी ज्यादा सेंस बनाता और फिनाले काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता। फिनाले में व्हाइट विजन और रेड विजन की फाइट के अलावा ज्यादा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, और यहाँ पर आते डॉक्टर स्ट्रेंज और फिनाले को बना देते प्रोबेबली ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन केविन फाइगी ये बात नहीं चाहते थे कि वांडा को उसकी पावर्स एक्सप्लेन की जाए एक मेल के थ्रू, और साथ साथ वांडा विजन शो एक टीजर और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए, जो कि लिटरली पोस्ट क्रेडिट सीन था। मार्वल ने लिटरली शो के थ्रू टीज की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा को बुलाते हैं उसके बच्चे बिली और टॉमी। एलिजाबेथ ओल्सन ने इस बात को भी एड्रेस किया कि वांडा को इस बात पे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली जो कुछ उसने किया था हेक्स में। एलिजाबेथ ओल्सन के मुताबिक वांडा वहां से चली गई इससे पहले कि लोग उसे पनिश करते जो कुछ उसने किया था पूरे टाउन के साथ। वांडा वहां चली गई जहां से कोई भी नहीं ढूंढ सकता एलिजाबेथ ओल्सन के मुताबिक। तो इवन एलिजाबेथ ओल्सन इस बात से एग्री करती है कि वांडा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी शो के बाद। वांडा शो की मेन विलन और हीरो थी, लेकिन शो में फिर भी ये वाला फेक फेमिनिज्म का डायलॉग था, जहाँ पर मोनिका ये कहती है कि दे विल नेवर नो व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस फॉर देम। वांडा ने लिटरली पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में किया, अपने मुताबिक उनकी जिंदगी को चलाया और साथ साथ उनकी फ्री विल को खत्म कर दिया, और उनके दिमाग में लिटरली पेन हो रही थी। वांडा के पूरे टाउन के साथ इतना कुछ करने के बाद वांडा वहां से उड़ भी गई और सारा डायलॉग
डायलॉग भी था कि दे विल नेवर नो व्हाट यू सैक्रिफाइस फॉर देम। अपेरेंटली मार्वल ने फेमिनिज्म के पीछे जाने के लिए लॉजिक को छोड़ दिया। इमेजिन के थैनोस के स्नैप करने के बाद थैनोस से कहा जाए कि दे विल नेवर नो व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस फॉर देम। ऑब्वियसली थैनोस रॉन्ग था और थैनोस का मेथड भी गलत था। सेम चीज वांडा पर भी अप्लाई होती है, लेकिन वांडा वहां से सिंपली उड़कर चली गई। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज इस पर जरूर बताएं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था, टोनी ने एवेंजर्स एंड गेम में अपना कौन सा आर्मर पहना था? उसका आंसर है मार्क 85। अब जो अगला क्वेश्चन है वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी के पास कौन सा आर्मर था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।